सुना बूटे ने लाहौर जाना है। लाहौर तो मैंने भी जाना है। तू लाहौर क्या करने जाएगी? अब्बा कहता है शौक अब सुधर गया है। वो सुधर सकता है भला? और सुधर गया हो? ब्याह करेगी शौके से? लाहौर से मासी का स्नेहा आया है और अब्बा भी कहता है जिम्मेदारी पड़ेगी तो शौका ठीक हो जाएगा। अब्बे को किसी सियाने ने बताया है। तू तो कहती थी जहर खा लूंगी पर शौके से ब्याह नहीं करूंगी। तूने कभी जहर खाया? नहीं। फिर भलिए शहर ही तो खा रही हूं। लाहौर क्या करने जाना? जरूरी काम है अम्मा। कौन सा जरूरी काम है बूटिया जो बस तेरे लिए जरूरी है? तू इनकार भी करेगी तो मैं चला जाऊंगा। तेरी मत मारी गई है बूटिया? हाँ मेरी मत मारी गई है। तेरा प्यो सुनेगा तो गुस्से होएगा। ये तो पुरानी बात है अम्मा, हफ्ते में 6 दिन तो गुस्से में रहता है वो। पर अम्मा मेरा लौट जाना किस्मत में लिखा है और लिखे को अब टाल नहीं सकता। तुझे किसने बताया कि तेरा लाहौर जाना किस्मत में लिखा है? मेरा दिल कहता है अम्मा। तू उस लड़की के पास जाएगा? मेरू के पास? उसका परस वापस करना है। तूने वापस करना है? मैंने ही वापस करना है। ये भी किस्मत में लिखा है कि उसका परस तूने वापस करना है? तू नहीं समझेगी अम्मा। तो समझा ना मुझे अकला वालिया। 2 दिनों में कौन सी वलैत पढ़ लिया तूने? तू बस मुझे जाने से ना रोक। तू अपने प्यो से पूछ ले, वो कहे तो चला जा। अब्बे की तरफ से पेशगी ना समझ।
सुध बुध गुवाच गई है तेरी? लाहौर कोई तोबा टेक सिंह नहीं है नवाब बीबी। और एक बात तो बता मुझे, अब तेरे पुत्र के इश्क भी जाने लगे मुझे? शाहजी ने भी कहा है ना, बूटे को जाने से ना रोकना। शाहजी ने तो पिछले साल ये भी कहा था कि गांव में सलाह नहीं आएगा, पर सलाह तो आ गया था। जवान पुत्र है चौधरी साहब, जोर जबरदस्ती करेंगे तो आप उतरी करेगा। पैरों में संगल डाल के डेरे की कोशरी में ना डाल दूंगा, आप उतरी करेगा। कुछ सोच समझ के भी बात कर लिया करें। सोचने समझने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। बच्चे को चौधरी साहब, बस कर नवाब बीबी बस कर। जिस बच्चे ने सारे पिंड के सेनों की मत मारी हो वो बच्चा नहीं होता। अब 20 साल के जवान बच्चे बने फिरते हैं तो समझ ले नवाब बीबी, मेरे अब्बा जी फौत ना होते तो खैर से मैं भी बच्चे था। अल्लाह माफ करे, आप तो अब्बा जी के फौत होने के बाद भी बच्चे ही हो। तो शाहजी के पास ले जाओ, दम कराओ, तूड़ी दो मेरे नाक में। शाबाश नवाब बीबी, शाबाश शाबाश। मुझसे नाराज हो? मैं कौन होती तुझसे नाराज होने वाली? तो फिर बात क्यों नहीं करती? मेरे बात करने से कोई तसल्ली होगी तेरी? अम्मा मुझे शाहजी के पास ले गई थी, उन्होंने कहा है बूटे को लौट जाने दो। तू अब लौट चला भी जा बूटे। अभी अब्बे से बात करनी है, वो इजाजत देगा तो जाऊंगा। अगर उसने इजाजत ना दी तो नहीं जाएगा? शाहजी कहते हैं मैं फिर भी चला जाऊंगा। सब कुछ शाहजी कहते हैं, तुम क्या कहते हैं? मुझे तो लौट जाना है जुलेखा। तो फिर जा बूटे। एक उठा ले अपने अंदर से। किसी बात में रहे,
पानी की बात अभी ना रहना, मुझे वक्त है पानी का रास्ता देखना आता है। हद हो गई होगा सब खुदा का। चलो गुल्ली डंडा खेलने तक तो ठीक है, अखरोट खेलने तक भी ठीक है, और वो कुम्मन की मुर्गियां चोरी करने तक भी ठीक है, मगर मैं ये आंख में टक्के की इजाजत नहीं दे सकता। आंखें निकाल लूंगा तेरी। सारी बातें मान गया तू, अल्लाह खैर करे लाहौर भेजने पे भी राजी हो जाएगा। सारे गांव को पता चल गया है कि तू शहर वाली लड़की के पीछे पागल बना फिरता है। कोई और बात करना जी रहे। अब तुझसे और बात कोई भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तेरी शक्ल देख कर ना लगता है जैसे बूटे ने दुनिया से पर्दा कर लिया है। ना अखरोट खेलता है, ना कौडियां खेलता है, ना बांदर किला खेलता है, ना गुल्ली डंडा। ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है। अब तो कुमन की मुर्गियां भी अकड़ अकड़ के चलती हैं बूटे। तुझे कुमन की मुर्गियों की पड़ी है यार। तेरे अब्बे को पता चल गया है? हाँ। इजाजत मिली? इजाजत? मैंने तो अम्मा को पहले ही कह दिया था, अब्बे की तरफ से पेश ही ना समझ। अब क्या करेगा तू? बताना क्या करूं? ले, मुझे क्या पता तो तुझे क्या करना है। तू मेरे साथ लाहौर चलेगा जीरे? ना भी ना, मैं नहीं लाहौर जाऊंगा। कुड्डू तू चलना मेरे साथ। अपना दाना पानी तो टोबा टेक सिंह में लिखा हुआ है बूटे। खबरें कोई दूजी मेरे आए और मैं फिर लाहौर जाने का सोचूं। सुन जीरे, इतवार को मैंने लाहौर चले जाना है। इतवार को? अब्बे का क्या होगा? अबे को नहीं पता चलेगा। मनमानी ना कर बूटे, कुछ दिन और ठहर जा यार। टोबे में अब मेरा दिल नहीं लगता। रब जाने तेरा लाहौर में भी दिल लगता है कि नहीं। वो सुना है लाहौर में दिल लग जाता है, वहां बड़े बड़े सलमे होते हैं बूटे। लकड़ियां लगा यार। और मैं क्या कर रहा हूं?
तुमने स्नेहा भेजा था? आज मैं रात थारी दीवा बालने जाएगी? हाँ छठ रहन दे सुलेखा, तेरी मुराद पूरी करना पीरा दिते के बस की बात नहीं है। दीवा बालना मेरे बस की बात तो है ना। बूटा मेरू के पीछे लाहौर जा रहा है, जेब में उसकी तस्वीर डाले फिरता है। तू शौके से ब्याह के लिए हाँ कर देगी, हंझुओं में डालकर जहर पिएगी, तो दीवा किसके लिए बालेगी? बूटे के लिए, बूटे के लिए बालूंगी। पीरा दत्ते से कहूंगी, मेरी नहीं तो बूटे की मुराद पूरी करते। उस अग दे विच सड़िए ना